Hello friends, myself Dr. Rashmita Srivastav. I'm MDS. I have done my specialization in root canal treatment. I'm an endodontist. Nowadays people are facing many problems regarding dental. They are not visiting randomly or frequently to the dentist. So with my experience, I want to share with you all that how can you get rid of all these problems. So let's get started. बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने दांतों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों का शेड्यूल ही बहुत बिजी होता है. वो लोग अपने जॉब में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, उनके ऑफिस टाइमिंग्स भी ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते. दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत आलसी होते हैं. उनको पता रहता है कि उनके दांतों में प्रॉब्लम है बट स्टिल वो बिल्कुल भी अपना ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं. और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता तो रहता है पर वो लोग डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत घबराते हैं और वो मेडिसिंस लेके ही बैठ जाते हैं. चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए. अगर सड़न बहुत कम रहती है तो आपका जो सड़न जितना भी कम होगा उसका इलाज भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा. कोई भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हो जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है और उन चीज़ों के लिए आपको मेडिसिंस भी नहीं लेने पड़ेगी. आप मिरर में अपने दांत को अच्छे से देख सकते हैं. अगर आपको कहीं पे भी ब्लैक स्पॉट दिखती है या कहीं पे दांत में ऐसे लगता है कि कुछ गड्ढा सा हो गया है तो आप तभी के तभी अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए. तब क्या होता है, आपकी छोटी सी सड़न बहुत इजीली वो दांत भी बच जाता है और वो सड़न को हम ठीक भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक्सपेंसेस भी बहुत कम लगती है. पर फिर हम लोग क्या करते हैं, अरे अभी तो सड़न बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो थोड़ा सा ही है, काला सा है, मुझे तो कुछ दर्द भी नहीं हो रहा है, तो मैं डेंटिस्ट के पास क्यों जाऊँ. ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है पर नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको बिल्कुल विज़िट करना चाहिए. और मेरी मानिए तो आपके जितने एक्सपेंसेस बचते हैं कि मैं क्या बताऊं, अगर आपके सड़न जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना तो वो नसों तक पहुंचती जाती है. RCT उसको कहते हैं. फिर आपको रूट कैनाल करवाना पड़ता है. ये देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये जो नसें रहती है ना इसको आर्टिफिशियल नसों से भर दी जाती है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ आर्टिफिशियल नस. आर्टिफिशियल नस से भर देने के बाद उसके ऊपर एक कैप चढ़ा देते हैं. ठीक है, तो उसके वजह से आपका दांत जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और लंबे समय तक आपका दांत चलता है. आप उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कड़क चीज़ें, हार्ड सॉफ्ट कुछ भी आप ले सकते हैं. पर एक बार आपका अगर सडन चालू हो जाता है तो हम वहाँ से खाना भी अवॉइड कर देते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है. उसके वजह से क्या होता है, नीचे जाते जाते वो दांत जो रहता है वो सड़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ से फिर मवाद बनने लगता है. जो चीज़ आपका वो दांत तो ख़राब कर ही रहा है उसके साथ साथ वो अगल बगल के दांत भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो अपने को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है. अगर सड़न आपको कभी भी दिखता है इन फ्यूचर कि हाँ मुझे दिख रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए, आपको डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए और तुरंत आपका वो इलाज भी कर देंगे और बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा इलाज हो जाता है. आप फ्यूचर के वो दांत के लिए आप एकदम बेफिक्र हो जाते हैं कि उसमें आगे कभी कोई सड़न आएगा, कुछ होगा, दर्द होगा, उसमें कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अब मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक्स बताती हूँ कि आपको प्रॉपरली ब्रश कैसा करना चाहिए. नॉर्मली देखिए, आप लोग सभी तो जानते ही हैं, आप लोग सब लोग नॉर्मली ऐसे 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 ब्रश करते हैं. ठीक है, ये ब्रशिंग सही है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है. आपको ऐसे ब्रश तो करना ही चाहिए पर जो अंदर की दांते के जो हिस्से रहते हैं हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. अब आप आज ही अपने मिरर में अपने दांतों को देखिए अंदर के हिस्सों की तरफ, तो आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा मैल यहाँ पे बैठी हुई है. तो उन हिस्सों को साफ़ करने के लिए आपको वहाँ पे भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे ये नीचे का दांत है, नीचे के दांत की ये देखिए अंदर की जो यहाँ पे जो अंदर का जो हिस्सा रहता है दांत का, हमको ब्रश कैसे चलाना है, हमको ब्रश ऐसे नीचे के जबड़े में ऊपर की तरफ करना है ताकि ये जो मैल है ये पूरा निकल जाए. ठीक है, पीछे के दांत में ऐसे चलाना है, बीच के दांत में ऐसे चलाना है और यहाँ पे भी ऐसे चलाना है. और ऊपर का जो जबड़ा है ऊपर के लिए कैसे करेंगे, जैसे ये ऊपर का तो आप नॉर्मल सामने से हम ऐसे ब्रश करते ही हैं पर अंदर से भी ब्रश करना है. ठीक है, तो इसको भी हमको ऐसे ब्रशिंग से पूरा निकालना है ताकि यहाँ के जो हिस्से हैं और यहाँ का जो पार्ट है
बिल्कुल भी मैल ना जमे। अगर यहाँ पे मैल जमते हैं तो क्या होता है, मसूड़ों में दिक्कत आना चालू हो जाती है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे जब आप यहाँ पे ब्रश करना छोड़ देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन चालू हो जाते हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन होते 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 उसमें और गंदगी जमा होने लगती है, तो उसके वजह से क्या होता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। बहुत मसूड़ों में एकदम आपको रेडनेस दिखाई देगा और सूजन सी आने लगेगी। उस बीमारी को हम पायरिया कहते हैं। पायरिया एक बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उसमें मवाद बनने लगता है। तो ये जो बीमारी होती है इसके वजह से क्या होता है, दांतों में स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, दांत बहुत बाहर दिखते हैं और उसके वजह से चेहरा भी पूरा ख़राब हो जाता है। ये आप यंग एजेस में भी देखने को आपको मिलेगा और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी मिडिल एज ग्रुप में भी आपको ये देखने मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए आपको प्रॉपरली ब्रश करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऊपर से ब्रश तो करना ही है पर आपको अंदर से भी ब्रश करना है ताकि आप इन बीमारियों से बच सके। आपको दिन में कम दो बार ब्रश कीजिए। आप सुबह तो सब लोग ब्रश करते ही हैं, रात में खाना खाने के बाद बिल्कुल ब्रश कीजिए। ब्रश के साथ एक और चीज़ आपको लेना है, माउथ वॉश। कोई भी माउथ वॉश आप नॉर्मल जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगा, माउथ वॉश परचेज कीजिए और आपको डेली आपको माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं तुरंत आप मुंह में कुल्ला करिए पानी लेके, उसके बाद माउथ वॉश थोड़ा सा पानी में डाल के उससे भी कुल्ला कीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आपके दांतों के बीच में गंदगी जितनी भी जमी है वो सब निकल जाएगा। अगर गंदगी जमी रही उसी से आपका एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो मसूड़ों में जाएगा, फिर दांतों में बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको सारे डेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपरली इस चीज़ों का ध्यान रखना है।